नूह जिले की आकेड़ा चौकी पुलिस ने मरोड़ा गांव से बीते 11 नवंबर को चालक के साथ मारपीट कर ट्रक छीनकर फरार होने वाले दो आरोपियों को रोहतक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी में लगे जीपीएस की सहायता से ट्रक समेत आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भिजवा दिया है। एएसआई कैलाश चंद ने बताया कि बीते 11 नवंबर को आरोपी आरिफ पुत्र हाकम निवासी पापड़ा थाना पिनंगवा व मुस्तकीम पुत्र पहलू निवासी आलिमेव थाना बहीन ने नूह के मरोड़ा गांव के समीप से रात के समय ट्रक चालक इरशाद निवासी रानिका के साथ मारपीट कर ट्रक छीन लिया, जिसको आरोपी रोहतक की ओर ले गए। चालक इरशाद ने सारी घटना अपने मालिक को बताई, जिसको लेकर आरोपियों के खिलाफ आकड़ा चौकी में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया गया। गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद से आकेड़ा चौकी पुलिस ने गाड़ी को खरावड़ रोहतक से गिरफ्तार कर आरोपियों को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल गाड़ी पुलिस के कब्जे में है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये आरोपी 11/11/2019 को मरोड़ा टी पॉइंट है, वहाँ से एक ट्रक छीन के ले गए थे। जो ट्रक का ड्राइवर है इरशाद रानिका का, उसने कंप्लेंट करवाई थी भाई मेरा ट्रक छीन लेंगे फलाने फलाने। जो आरोपी का नाम है आरिफ सनो पाकम निवासी पापड़ा, मुस्तकीम सनो पहलू निवासी आलिमेव अलवल में पड़ता है। तो ये जीपीएस लगा हुआ था गाड़ी में, इनकी लोकेशन आ गई बादरगढ़ की, तो वहाँ रोहतक पुलिस ने पकड़ लिया इनको। तो इनसे उन्होंने गाड़ी बरामद करी, उन्होंने वहाँ पुलिस को फायर किए थे, तो वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया था इनके खिलाफ। ये जेल रोहतक में बंद थे, इनको प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है और अपने मुकदमा में भी इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और गाड़ी बरामद कर ली है। तो वहाँ जो मुकदमा वो किस धाराओं के तहत दर्ज हुआ है? वहाँ इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया है 307 का, आर्म्स एक्ट का, और एक दो मकान में गाड़ी मारी इन्हें बगा 427 भी लगी उसमें। सर इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया है, इस तरीके से कोई हथियार भी बरामद हुआ इनके ऊपर से? हाँ, रोहतक पुलिस ने एक कट्टा बरामद किया है इनसे। गाड़ी सर आपके कब्जे में अभी? हाँ, गाड़ी कब्जे में ले ली है और गाड़ी को सुपरदारी पे जो गाड़ी का मालिक है उसको दे दिया गया।